सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वी गिव 5 बिट्स, मतलब बिट्स का प्रॉब्लम है। बिट्स में बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान रहे हैं यार, मैं इतने लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ ना, वो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि यार जो कॉन्सेप्ट जो फैकल्टी होते हैं लास्ट में जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, या कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं आ पाती बिट्स में। तो साउंड सोर्स 5 बिट्स देता है। देखो हमारे पास 2 सोर्स हैं, एक सोर्स ये रहा, एक सोर्स ये रहा, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्स है। भाई बिट्स सुनने के लिए मिनिमम 2 तो चाहिए चाहिए ना, इन दोनों को एक साथ अगर मैं साउंड जनरेट करता हूँ तो ऑब्जर्वर जो यहाँ पर ऑब्जर्वर है उसको कितने बिट्स मिल रहे हैं बोलो, 5 बिट्स मिल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वी माइनस 200 दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 5 बिट्स है। इसका मतलब ये हुआ ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वी, ये आ जाएगा 200 प्लस माइनस 5। इसका मतलब ये या 205 या 195, दिस इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। अब ये तो बात क्लियर हो गया कि जो ये जो सोर्स है, ये जो वी है, जो वी की वैल्यू पूछ रहा है वो या तो 205 होगा या 195 होगा, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ से मैं 50-50 सही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी सही नहीं हो सकता, ये गया ख़त्म, और 195 205 है, 200 कभी सही नहीं हो सकता। या तो ए ऑप्शन सही है या तो बी ऑप्शन सही है बिट्स का। चलो अब सही कौन सा है उसके लिए कुछ कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि इसमें से कंफर्मेशन कर लेते हैं। तो कहता है सेकंड हार्मोनी का फ्रीक्वेंसी 2B ऑफ द सोर्स गिव 10 बिट्स पर सेकंड। तो सेकेंड हार्मोनी का फ्रीक्वेंसी 2B, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी बी था तो इसका सेकेंड हार्मोनिक कितना होगा, 2B होगा। तो इसका सेकेंड हार्मोनिक हम कर लेते हैं, तो इसका सेकेंड हार्मोनिक मतलब होता है ये जो है वो क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक मतलब इसका डबल, थर्ड हार्मोनिक मतलब इसका 3 टाइम्स। तो सेकेंड हार्मोनिक जब इसको करोगे, इसका डबल कर दो, तो 205 का 410 और या 195 तो ये क्लियर है, दैट इज सेकेंड हार्मोनिक। ये आ गया हम लोग के पास सेकेंड, ये तो बात क्लियर हो गया जैसा क्वेश्चन में कह रहा। अब सेकेंड हार्मोनिक को क्या किया गया, इस फ्रीक्वेंसी को क्या किया गया, टू 10 बीट्स विद ए सोर्स 420, एक नया सोर्स बीच में आ गया, 2 तो पहले थे लेकिन एक नया सोर्स आ गया, ये जो थर्ड सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है, ये 420 हर्ट्ज है। इसको साउंड इसके साथ सेकेंड हार्मोनिक साथ जनरेट किया गया तो हमें 10 बिट्स मिलता है, 10 बिट्स मिलता है। चलो देख लेते हैं किसके साथ 10 बिट्स मिलता है जो कि कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो 410 और 420 के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो 10 है, तो ये हमें 10 बिट्स मिल जाएगा, स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी। 190 और 420 को एक साथ साउंड जनरेट करते हो तो क्या आपको 10 बिट्स मिलेगा क्या, नहीं यार, कभी 10 बिट्स नहीं मिलेगा, देख रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 410 है, दैट इज एक्चुअल सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है जिसको, और इसके साथ साउंड जनरेट किया गया तो 10 बिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि 205 एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, तो हमें आ जाएगा ए ऑप्शन सही है, बराबर है।